warahmatullahi wabarakatuh. Mantul dan niat yang
Anak laki malah anak laki kerana kehendak bapa. Bapa suci bapa. Ita lekwa. Hak ayah sunatul jamaat kerana इसके ऊपर आप जो बंदियों ने नया झगड़ा पैदा नहीं किया बल्कि इनके पुरखों ने एक गुरु मुअतजला के नाम पर गुमराही फैलाने का काम उसी तरह करता था जैसे यूं उन्हीं उन लोगों का यकीन था कि नहीं चली इंसान पीला माता का मतलब यह है कि आदमी जो करेगा उसका फायदा आएगा दूसरे के किए हुए का सवाब पैसे पहुंचा जाएगा कौन सकता है ये उनका नजरिया यही नजरिया काफी शुरू काफी करके इन्होंने जो बंद वालों ने और बहादुरों ने भी इख्तियार कर लिया तो इस तरह तक इस काम की मजलिस महफिल जनता हासिल करना भी इन लोगों का एक रद्द है तुम जितनी भी हमारी मामूलात की मुखालफत करो उतना ज्यादा अल्लाह हमें तौफीक देगा सुभान अल्लाह इस मामूलात को जायज करके वाह 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 बेशक ये लोग अपने को अहले हदीस कहते हैं और ये इतनी हदीसियां कि अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि सैयदना ताक इब्न उबादा वालदा का इंतकाल हो गया तो वो रसूल पाक की खिदमत में हाजिर हुए मेरी माँ का इंतकाल हो गया मैं क्या कुछ करूं मैं भी करूं तो उनको फायदा पहुंचेगा अगर पहुंचे तो मैं क्या करूं फरमाया आजकल पानी की बहुत कमी है उनके सवाब की नियत से एक कुआं तैयार उन्होंने अपनी मां के नाम पर एक कुआं तैयार किया और फिर ये जब तैयार हो गया तो आप कुएं पर आकर कहते हैं आज ही लोग में वाह ये कुआं सास की मां के सवाब के लिए है तो अब मेरा गुरु यहाँ पर एक बार के कुआं तैयार कर दिया हो गया फिर कुएं पर आकर सवाब पहुंचाना उस कुएं के सामने खड़े होकर या बैठकर ये भी तो एक चीज है बात ये है अगर तमाम सामने रख दिया जाए तो बड़ी बिदअत मगर अब जरा मुझे देखो कि कुआं तो वो सामने लाकर कैसे रखे कुएं के सामने खुद आए और उन्होंने उसका इंतजार हक रखे सैयदना अब इतने आप रज़ियल्लाहु ताला एक हदीस भी वो भी इत्तेफाक से
इनके महाराज समूह में है। इनके बाद काफी थे और पुत्र ही पर बने आज की युवाए बढ़ते वक्त उसने कहा अपने बेटे हजरत अब्न इब्ने आस उस्मान इब्ने आस दोनों को बुला कि देखो भाई जिंदगी भर मैं कयामत वगैरह का इंकार करता मगर अब मरने का वक्त आ गया है। मोहम्मद कहते हैं कि कयामत आएगी, लोग जिंदा किए जाएंगे और लोगों को सवाब और अजाब उनके अकीदे और उनके आमाल के एतबार से मिलेगा। तो अब मरने के वक्त मुझे ये सोच ये मैं दिमाग में बहुत हल्के बची है कि अगर मरने के बाद मोहम्मद की बात पूरी हो गई तब मेरा क्या इंतजाम। अगर सच्ची निकल गई उनकी बात तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने एक तरफ शुरू किया है 50-50 बोला तुम दोनों मेरे लिए आजाद करो। वो काफी है पचास बोला मेरे लिए आजाद करो अगर कोई मुसीबत सामने आ गई और कयामत खड़ी हो गई तो वो गुलाम मुझको बचाए। इसलिए रसूल पाक की खिदमत में हजरत अब्द इब्ने आस एक लंबे जमाने के बाद आए। मुस्लिम शरीफ में है कि वो आए और आकर अर्ज की कि मैं हाजिर हुआ हूं इस्लाम कबूल करने के लिए और मेरी बैठक करने आप हाथ बढ़ाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुबारक हाथों को आगे किया। जैसे ही सरकार ने अपने हाथ आगे किए उन्होंने अपने हाथ ऐसी फरमाया या अम्रो मा हादा ऐ अम्र इब्ने आस ये क्या हरकत क्या मैं अश्कर मैं शर्त लगाना चाहता फरमाया भागा तस्तने को क्या शर्त लगाना चाहते मैं शर्त पर इस्लाम लाना चाहता कि मैंने बहुत से मुसलमानों को खत्म बड़े बड़े दिमाग किए अब मैं आया हूं आपके यहां इस्लाम कबूल करने के लिए। अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं उसके बाद अगर कोई जितने मेरे गुनाह हैं उसका हिसाब किताब चुकता करने का होता है तो मैं भी सफल कर दिया जाऊंगा। इस्लाम लाना तो फायदा करूंगा तो मैं शर्त लगाना चाहता हूं कि मुझे हर गुनाह से माफी दी जाए। वाह 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 इसका मतलब ये निकला कि उनका भी अकीदा है कि रसूल पाक माफ करने तो माफ हो जाए।
سبحان الله سبحان الله واہ 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا امرو اما تقدمی ان الاسلام یحمل ما قبلہ سبحان اللہ اے عمر بن عاص کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے پہلے کی تمام گناہ چھوٹے بڑے مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اطلاع قبول کرنے سے ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کے بعد میں نے حضور کے ہاتھ میں پیدا کیا اور حیرت آپ کی میرے اوپر ایسی ساری رہتی کہ میں کبھی ہر نگاہ رسول پاک کی زیارت نہیں کر رہے کوئی اگر نیچے پوچھے کہ سرکار کے چہرے پاک کا ناک نقشہ کیا تھا تو میں بتا نہ چاہوں گا کیونکہ لب املا ہے میں تھک بھی گا سرکار کی زیارت نہیں کر رہا ہمت تمہارے حکم کی تصویر تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے نظر سحر کی ہی نہیں آج یہ منور یہ شام سرکار بہرحال یہ بیچ میں تو ایک الگ حدیث آ گئی وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے سرکار کی خدمت میں آ کے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے مرتے وقت ہم دونوں بھائیوں کو وصیت کی 50-50 غلام میرے فائدے کے لیے تم لوگ آزاد کر دینا اگر محمد کی بات صحیح نکلی تو یہ غلام اس کو عذاب سے بچانے کا کام یا رسول اللہ میرے بھائی عثمان ابن عاص نے تو اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے اور میں مسلمان ہو گیا آپ اجازت دیں تو میں آزاد کروں میں تو نہیں کروں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح حدیث ہے اس کے الفاظ فرمایا لو کان مؤمنا لرفعه اگر وہ اسلام پر بھرا ہوتا تو غلام اس کے نام پر آزاد کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے آزاد کرنے پر مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ پہنچتا سمجھ آئی نا فائدہ پہنچتا اور جس کے لیے آزاد کرنے ہیں اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں یہ ہے تدریس کا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کی اس کہنے کا کیا مطلب اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو اس کو فائدہ پہنچتا کیا اس کا مطلب سوائے اس کے کیا کہ نفع پہنچنے کا آخرت کے نفع ملنے کا راستہ آدمی کا مسلمان بے شک بے شک بے شک مسلمان ہونے کے ناطے پر
آخرت میں عذاب ملتا ہے اور قبر بھی آخرت کی پہلی منزل ہے. حدیث شریف میں فرمایا القبر اول منزل الآخرت, آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اس میں جو کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر قبر میں کچھ پھنس گیا تو فرماتے ہیں آگے اور پھنسے اور زیادہ پھنسے. اس لیے اب سب سے پہلے آدمی کو قبر کی حضرت مولانا نے یہی سوچ کر تو کہ میرے والد ایک بزرگ اور نیک مسلمان تھے تو ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا اس وقت میں ایثار ثواب اور ذکر جلیل تھے. حدیث شریف میں آیا فرمایا تقبل الرحمت عند ذکر الصالحین, جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی اتر. تو یہ رحمت اتر رہی ہے, ہم اسی رحمت کا تو نکالا کر رہے ہیں. پھر آگے ایک شاید نے مجھے خط لکھا کہ عجیب غنی بات ہے کہ آپ لوگ ثواب پہنچانے کے لیے بہت بھی جانی اور ماں یہ وہ حلوہ وغیرہ تیار کرتے ہیں, کبھی نہیں سنا کہ آپ لوگ غلہ خرید کر کے اس پر ثواب پہنچاتا, کپڑا خرید کے اس پہ ثواب پہنچاتا, روپیہ کھانے رکھ کے اس کا ثواب پہنچاتا. یہ تو نہیں دیکھتے. تو میں نے ان کو جواب لکھا اصل میں آپ لوگوں پر ہم مربت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ جس چیز پر ایثار ثواب کر دیا جائے اس کا کھانا نہ جائے, وہ حرام ہو گیا. سمجھے اچھی بات ہے, جانور ذبح کیا گیا نہ ثواب اس کا پہنچا دو کھانا ہو جائے کہ وہ حلال ہے اور یہ کہہ رہے نہیں حرام الٹا مسئلہ. حلال کیا گیا تو حلال ہے. میں کہا سنو لکھا ہم کو میں نے جواب کہ در اصل رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلزم اقرأت من بيت زوجها الا باذنه. کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کا کوئی بھی مال بے اجازت سے کسی کو نہ دے. لا تلزم اقرأت بخاری مسلم نسائی گاؤں کے لیے یہ کبھی حدیث کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی کے گھر کا مال بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کرے. سمجھا, اگر بے اجازت خرچ کرنے کی وہ بے اجازت خرچ کرنا جائز ہو جاتا تو مسجد والے آئے کہ چندہ دو تو اب وہ یہ دس لاکھ کچھ لے لینا
ये वो सब इतना था पर माया की मगर ये भी पर माया आता है कायनात को लगता है कि जिस चीज का रिवाज शोहर ने कायम कर दिया है उसके मुताबिक वो सच है। अब ऐसा नहीं शोहर ने मैं हरकत मेहमान आ गया तो अब बीवी कहे कि आप बैठिए जब वो हज से आ रहे हैं तो तब आपको खाना दिए उनसे पूछ के ही तो मैं खाना दूंगा ये बल्कि हर शोहर की तरफ से इजाजत होती है बीवियों को कि वो थोड़ा बड़ा खर्च मेहमान दो चार मेहमान मेहमान बुलाती वगैरह का इंतजाम कर तो वो जाते हैं मगर ज्यादा खर्च करना ये उसकी इजाजत नहीं। तो अब कावा ने पूछा या रसूल अल्लाह गलत कहा क्या हमने खाना नहीं खिला सकती पर मैं गलत कहा खाना भी ना खिला जब तक कि शौहर की तरफ से इजाजत था यानी ये मतलब के उस घर में ये रिवाज नहीं है कि शौहर के बगैर किसी आदमी को खिलाया जाए इजाजत के बगैर क्योंकि बहुत गरीब है वो चाहत अगर मेहमान को खाना खिला दिया गया तो उसके बाद बच्चे भूखे रह जाए क्या होगा एक ऐसी सूरत में उसे इसलिए फरमाया कि नहीं खाना नहीं और फिर फरमाया वक्त आओ अब फॉलो करता है ना सबसे बीती और बेहतर सामान हमारे घर में खाना ही है रुपया पैसा भी रुपया पैसा से जब तक उसको खर्च न करो उस वक्त तक आपको फायदा नहीं करें आटा नहीं है रुपया पैसा निकालो संदूक में से और उसकी ज्यादा करो पेट जाएगा उसको चबा के खा जाओ दो चार दस मोट बड़े बड़े और तो क्या आपका आपको फायदा पहुंचेगा कोई रुपया पैसा तो फायदा पहुंचा ही नहीं सकता खाने का सामान डायरेक्ट खाया इसलिए फरमाया वक्त आम अफल बता तो मैंने लिखा उसको कि रसूल पाक ने इस हदीस में फरमाया कि खाना हमारी पूंजी में सबसे अफजल चीज है तो हम लोग उसी की पर फातिहा करते हैं जो हमारे पास सबसे बेहतर बनाए और सबसे बेहतर का इंतजाम हम अपनी राय से नहीं करते रसूल पाक जिस चीज को अफजल कहें उनके अफजल बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये लिखा मैं कि आप लोग कहते हो कि फाते और न्याज का खाना ये नाजायज है हराम है बिदअत है और वो खाना नापाक हो गया वगैरह वगैरह क्या क्या बातें तो मैंने कहा अब रुक तुम लोग खाओगे अब तुम हमको दाव दिला रहे हो कि कपड़े पर क्यों नहीं करते अगर दाव दिला रहे तो मफत लाल की बीच पे जाकर देखेंगे कि कितने दिनों तक धंधे मिलो पर फाटिया करते खेतों पर क्या करते गल्ले पर फाटिया करते भूख
के बन जाओ। हाँ, अभी तो बिरयानी और कोरमा नहीं मिलता, हलवा नहीं मिलता, उस वक्त तो रोटी भी मिलती। इसलिए अब जीत के भेजा तो आज तक तो जवाब नहीं आया। तकरीबन ये 25-30 साल का अरसा हो गया। ये याद रहे कि नफा पहुंचाने न पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये बात अल्लाह का है। अल्लाह से अलग है, अगर इसकी इजाजत दे दी तो, और ये बर्बाद हुआ अगर अल्लाह और उसके रसूल ने कि ये सब चीजों का फायदा पहुंचता है तो फायदा पहुंचेगा। मुस्लिम शरीफ में एक हदीसे मुरसल है, मुकदमे ही में शुरू में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाना अगर खत्म हो गया तो उसके बाद खिदमत का तरीका क्या? जब माँ बाप चले गए तो क्या करोगे? न उनको पानी पिला पीने के लिए ला कर दे सकते हो, न हाथ पांव दबा सकते हो। फरमाते हैं कि माँ बाप की खिदमत का जमाना खत्म हो जाए तो अब खिदमत का तरीका ये है कि तू अपने फायदे के लिए जब नमाज पढ़े तो अपने माँ बाप के लिए भी नमाज पढ़े, अपने लिए नफी रोजा रखे तो अपने माँ बाप के लिए भी रखे। क्या मतलब? इबादत भी आप और फायदा माँ बाप को पहुंचा, ये जरूर फायदा पहुंचता है। इसीलिए तरीका आकाय कायनात ने बताया। फिर आप बड़ा और गौर करें कि ये नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो काहे के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं? किसके लिए? मस्जिद के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह मगफिरत है कि ना वो मस्जिद ना है वो कभी ना वो कभी ना वो बता ना वो अमुखा ना है वो चाह देना इतनी लंबी दुआ। हमारे जिंदों की भी मकसद कर, मुर्दों की भी मकसद करना, मकसद करना हमारे बच्चों की भी, हमारे बड़ों की भी मकसद करना, तू हमारे मर्दों की भी औरतों की भी अल्लाह जो हाजिर है चाहते इसकी भी मफ़रत करना और जो गायब है उसकी भी मफ़रत। तो अब आपने जो आप फायदा उसका होता है, अगर नहीं होता है तो उसको सामने रख कर क्यों आपने जो आप सामने रख कर क्यों इसका कारण यह हुआ कि अगर नहीं पहुंचता और अपना ही काम का वादा पहुंचता है
तो उसको गुतल और कपट वगैरह देकर लाके वहां रख दो और कहो हे बड़िया उठो अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ लो, हम पढ़ेंगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुम अपनी नमाज जनाजा अब लीजिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बुखारी वगैरह फरमाते हैं जिसका जिस मस्जिद की मुस्लिम मस्जिद की नमाज जनाजा 40 आदमियों ने पढ़ ली उसकी मतलब सोचिए अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, वसीअत रहमत की कुल है। जिस मुस्लिम मस्जिद के जनाजा में 40 आदमी शरीक हुए उस मस्जिद की मफरत क्या? मगर आजकल तो आदमी वही काम करता है जिसमें अपना फायदा है, अपने फायदे ही को ज्यादा सोचते हैं, इसलिए कि आदमी के अंदर खुद गर्दी ज्यादा आ रही है। तो अब उस हिसाब को भी एक हकीक सुन लीजिए बुखारी शरीफ में رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلم مسجد کی نماز جنازہ پڑھی اس شخص کی مغفرت ہو گئی، اس کے لیے دعا کر رہے مغفرت، اس کی بھی مغفرت ہوئی تمہاری بھی، سمجھ میں آئی؟ اب ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر امام جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین وہ فرماتے ہیں اتنی سندوں کے مربی ہے کہ اس کے ضعیف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی آدمی کسی قبرستان کے پاس سے گزرا اور 11 مرتبہ قل واللہ پڑھ کر مسجد کو وہ تمام مسجدوں کو ثواب پہنچا دیا، فرماتا ہے فرمایا اس میں حدیث میں تو اس کا ثواب ان سارے مسجدوں کو پہنچے گا اور اتنا ہی ثواب اس پہنچانے والے کو بھی ملے گا، کتنا نفع یہ کاروبار، کتنا فائدہ مند ہے۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ ہمارے فائدے کی بات نہیں کرتے، یہ لوگ نقصان کی بات کرتے ہیں۔ کہتا کیا ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو ایک ہوئے تھے آ کر ان کا پاؤں دبانے لگا کہ اور زیادہ تو وہ ان کی آنکھ کھلی جب آقا نکل گیا تو دن بھر روئے خوب روئے خوب روئے کہ اے اللہ کتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک نماز پڑھ کی میری ادا ہو گئی، تیرے دربار کی ایک حاضری کا وقت مجھے ملا تھا جو غائب ہو گیا، اے اللہ معاف فرما دے، دل سخت ہو گئی۔ تو اب دوسرے دن صبح کا وقت ہوا تو آیا شیطان ان کو اٹھے اٹھے نماز کا وقت ہو گیا،
अरे मैं वही हूँ कि जितने आपकी नमाज अदा कर रहा हूँ मैं इन्हीं अदा की नहीं तो अच्छा तेरा काम नमाज पढ़ाने का तो है नमाज अदा कराने का तो नहीं था है ना नमाज अदा कराने का मेरा काम है ना अदा कराना मेरा काम अदा कराया आपने एक नमाज को आप दिन भर हुए तो अल्लाह ताला ने 1000 फटक सवाब आपके नाम है अल्लाह 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 तो मुझे बड़ा सदमा हुआ जब सदा कराने से एक सदा कराई और हटा चल गया मैं इसको जगाओ ताकि एक का एक तो कहा कि मैंने मेरा काम न ये है कि मैं लोगों की नमाज अदा कराऊ न ये है कि अदा कराऊ बस मेरा काम ये है कि लोगों को फायदा पहुंचने का ये समझे तो ये लोग भी चाहते हैं क्योंकि इनका इनकी अकल जलाली शैतानी से नहीं तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को दबाव पहुंचा पहुंचा के फायदा न मिले पहुंचाओगे दबाव तो तुम्हारा भी दबाव पड़ेगा उनको जितना गया उससे ज्यादा तुम्हारे खाते में आ गया अब आप सोचो कि एक शराबी कबाबी आदमी मर जाता है तो उसकी नमाज जनाजा में 4-6 आदमी जमा हो गए तो बहुत हो गया है मगर कोई बुजुर्ग इंतकाल कर जाए तो उसकी उसके नमाज जनाजा में कितने लोग कोई 4-5 आदमी बुजुर्ग वफात पा जाते हैं तो मोहल्ला का मोहल्ला शहर का शहर सूबा का सूबा मैंने तो हुजूर तारी चलिया के जनाजे में ये हाल देखा कि बरेली में कदम रखने की जगह उतना बड़ा और ये भी करामत मैंने देखी कि 3 करोड़ आदमी जमा हो गए और गर्मी का मौसम सबको प्यास लग रही है तो एक मरतबा अगर सबको प्यास लगे तो 3 करोड़ बोतल चाहिए उनके ख्याल में क्या 3 करोड़ बोतल होती मगर किसी को प्यारा नहीं सबको ये कराना जरूर करना होती है तो इसका पांव दबा उसकी उंगली टूटी कोई दब गया तो उसकी मुंह भी निकल जाती है मगर मैंने उस वक्त बहुत तरह के लोगों से मालूम किया कि बताओ भाई किसी का पांव दबा था नहीं सुना तो नहीं मैंने कहा किसी ने ये बताया कि मैं जख्मी हुआ कि नहीं तो मैंने कहा तू मरा कि नहीं पुलिस भी कहने तो बस बहुत अपने नाम से जगह का हो गया और तो मैंने कहा शहर भी खाली हो गया इतने लोग एक साथ निकल गए और ये तो मालूम होता है कि इनमें कुछ समझते भी रहे होंगे इंसानी चक्र पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है इसलिए कि हुजूर पाक ने फरमाया है जितने किसी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी उस पढ़ने वाले की मगफिरत तो जो
जितनी नमाज़ें जनाज़ा पढ़ रहे हो उसका उसका सवाब बहुत है, उतना ही तुमको ज्यादा तो अभी बहुत है, मगर इतना जो पहला ये भी याद रखे तो अल्लाह ताला मैदान को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हजरत मौलाना के वालिदे मरहूम मक्तूम मक़बरत दर्जा ऊंचे करे और तमाम तुम्हें मर्द और बच्चे बूढ़े जमा जो वो बात 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 के इधर और बात तो इस कोरोना में अल्लाह ताला उन सब मखलूक करे और तुम्हें दर्जा ऊंचे अल्लाह ताला हजरत मौलाना हनीफ आलम दीवान साहब को अपनी रहमतों से खूब पाए और आप लोगों को भी महरूम न करें जो सारे औलाद हैं उनकी औलाद को माँ बाप का उपयोग करना पड़ता और जो बे औलाद अल्लाह ताला उनको नेक स्वालिह फरमा बरदार होना रफ़ान मिलत अजीजा ने गया ये एक ऐसा ज़माना आ गया कि अकबर ने कहा रकीबों ने रपट लिखवाई है जादा के थाने में जी वाह 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 रकीबों ने रपट लिखवाई है जादा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में वाह 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 ये अकबर इलाहाबादी में ये शेर था अब जो वक्त आ गया आ गया मस्जिदों को तोड़ो और उसमें पूजा पाठ करो और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि लेकिन की पूजा करो इसके लिए ये जद्दोजहद है फिर रसूल पाक की तौहीन करो ताकि मुसलमानों को तय आए और टैक्स आएगा और हम पत्थर फेंकेंगे वो भी तब जवाब में पत्थर फेंकेंगे उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी हमारे जो डर कहा है तो कड़ी लाइक समझ में आएगा तो इस छुटहर खान को कोई काबू नहीं कर सकता इसलिए ये जमाना उस तरह से हुजूम ले जाने का नहीं एक वक्त था कि लोग करते थे एतजाज हमने भी किया जब शाह बानों का एक सुप्रीम कोर्ट से वो शरीयत के खिलाफ फैसल हुआ तो मुसलमानों ने एतजाज किया बिलिस्तिया मियां जी और उन्होंने सड़कों पर और मैदानों में जलसेगाहों में बहुत से एतजाज उसमें हम शरीक मेरे मामा अल्लामा अशरफुल कादरी साहब सच के आगे आगे पेश किए तो ये काम सब हो रहा मगर अब ऐसा वक्त आ गया कि जहां एहतजाज किया गया उसमें चंद बूंदे टोपियां पहनकर पैजामा कुर्ता पहनकर आ जाते और वो गुंडागर्दी करने लगते हैं और वो लिया जाता है कुछ ये होता है कि आप एहतजाज के लिए जा रहे हैं और उन्होंने छत पर से या इधर उधर से
पत्थर फेंकने शुरू किए, आपने भी जवाब इसका लगाया, तो अब आप पकड़े जाएंगे, गोली चलेगी आप के रुख पर। ये सब हो रहा समझते, हुकूमत उनकी और पुलिस उनकी और क्या क्या होता मुसलमानों को का एक अल्लाह। शुक्रिया आप सब लोग इस माहौल में अल्लाह ये मिलाकर एक माने अपने पास और ये दुआ करें कि जो नबी पाक की तौहीद करता है अल्लाह तआला उसके जिस्म को ऐसी बीमारी दे दे कि सर चला जाए और लोग उससे मुतनफ्फिर हो जाए। ऐसा होते रसूल पाक के तौहीद करने वालों को अल्लाह तआला का और ऐसा ऐसी बीमारी है कि लोग इबरत हासिल करें। अब ये काम यही है हमारा कि अल्लाह के दरबार में, मगर कुछ लोगों को शौक होता है कि जरा नारा लगा करके ही अपना जोश होता है पूरा कर सकते, मगर जब हालात बिगड़ गए तो क्या होगा। इसलिए आप सब लोग इसी एतबार से अपना होश संभाल करके रखें और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म के बारे में अल्लाह तआला उन जालिमों को कैफरे के तार तक पहुंचा। अल्लाहुम्मा अलल कौमी ज़ालिमीन, ये अल्लाह जालिमों के मुकाबले में हमारी कोई मदद करता है। लक अल्लाह तआला अलल मुकद्दरीन वा अलल मुकद्दरीन रहमत।